यूपीएससी वैकल्पिक विषयों की सूची में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स सहित 48 विषय शामिल हैं। यूपीएससी आईएएस परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम विकास संबंधित चुनौतियों और सतत विकास के लिए बुनियादी ढांचे की योजना के लिए बुनियादी अवधारणाओं और ज्ञान के आवेदन की उम्मीदवारों की समझ पर केंद्रित है। तो अगर आप भी अपने सिविल सेवा की परीक्षा में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने का सोच रहे हैं तो क्या हो सकता है इसका सिलेबस और आप कैसे कर सकते हैं इसकी तैयारी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। यूपीएससी मेंस परीक्षा के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध संसाधनों और प्रीलिम्स और मेंस के लिए सामान्य अध्ययन के साथ पाठ्यक्रम के बड़े ओवरलैप के कारण उम्मीदवार यूपीएससी में एक वैकल्पिक विषय के रूप में अर्थशास्त्र का चयन करते हैं। उम्मीदवार जिन्होंने अपने स्नातक में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, डिग्री या अर्थशास्त्री, वित्त प्रबंधक, व्यापार अनुपालन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पेशेवर या बैंकर के रूप में काम करने वाले हैं, इस विकल्प को अपना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं दोस्तों कि सिविल सेवा यानी अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय में यूपीएससी मेंस में दो पेपर यानी पेपर वन और पेपर टू होते हैं। प्रत्येक पेपर कुल मिलाकर 500 अंकों का होता है, यानी प्रत्येक पेपर के जो मार्क्स है वो होंगे 250 नंबर। तो क्या हो सकता है इसका सिलेबस, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं आपको आज बताऊंगी इकोनॉमिक सिलेबस पेपर वन के बारे में, यानी पूरा सिलेबस एक डिफाइनाइट वे में। तो दोस्तों जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहला जो आता है वो है हमारा एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक, यानी क्या क्या चीज़ें इसमें जो आपसे पूछी जाती हैं वो आपको स्क्रीन पर बहुत ही क्लियर वे में दिख रही हैं। इसमें हमारी कुछ थ्योरम्स आ जाती हैं, उसी के साथ कुछ थ्योरीज वगैरह यहाँ पे नाम दिए गए हैं और उसके साथ मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी आपसे पूछा जाता है। अगली जो चीज़ आती है वो है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें अप्रोचेस टू एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन के साथ क्लासिकल नाइनीज कर्व, न्यू क्लासिकल सिंथेसिस एंड न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन एंड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। अगली जो चीज़ अगर हम इसमें आगे मूव ऑन करें तो इसमें मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस जो चीज़ें हैं वो आती हैं। इसमें डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी के साथ ही मनी मल्टीप्लायर, क्वान्टिटी थ्योरीज ऑफ मनी एंड काइनी थ्योरीज ऑन डिमांड फॉर मनी, गोल्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी मैनेजमेंट इन क्लोज एंड ओपन इकोनॉमीज के साथ ही रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द ट्रेजरी, प्रपोजल फॉर सीलिंग ऑन ग्रोथ रेट ऑफ मनी के साथ ही पब्लिक फाइनेंस एंड इट्स रोल इन द मार्केट इकोनॉमी, और उसमें आपसे पूछे जाते हैं इन स्टेबलाइजेशन ऑफ सप्लाई, अलोकेटिव ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट, सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, फॉर्म्स ऑफ टैक्सेज एंड सब्सिडीज, देयर इंसिडेंस एंड इफेक्ट, लिमिट्स टू टैक्सेशन, लोन्स, क्राउडिंग आउट, और उसी में आपका जो आखिरी आता है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में वो है आपका इफेक्ट्स एंड लिमिटेड्स टू बोरोइंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इट्स इफेक्ट। तो ये जो सभी क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अगली जो चीज़ इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो होती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जिसमें ओल्ड एंड न्यू थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स जो है आपसे पूछे जाते हैं। उसमें कंपेरेटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ऑफर कर्व्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट साइकिल एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड थ्योरीज क्या होती हैं उसकी, एंड ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ एंड थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलप्ड इन एन ओपन इकोनॉमी क्या चीज़ होती है, वो सभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगली जो चीज़ आती है वो है इसमें फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड टैरिफ एंड कोटा, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसके बारे में डिटेल एनालाइज जानना चाहते हैं या डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही अगली जो चीज़ इसमें पूछी जाती है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, यानी अल्टरनेटिव अप्रोचेस क्या हो सकती हैं उसकी, उसमें प्राइस वर्सेस इनकम, इनकम एडजस्टमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंजेस रेट्स, थ्योरीज ऑफ पॉलिसी मिक्स, उसी के साथ एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट अंडर कैपिटल मोबिलिटी, फ्लोटिंग रेट्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज,
करेंसी बोर्ड्स, ट्रेड पॉलिसी एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। वहीं दोस्तों बीओपी एडजस्टमेंट एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इन ओपन इकोनॉमी मैक्रो मॉडल में आपसे स्पेकुलेटिव अटैक्स जो हैं वो डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है इसमें, वो सारी जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। अगले की तरफ फॉरवर्ड हुए तो वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें दोस्तों हमसे थ्योरीज ऑफ ग्रोथ यानी जो बेसिकली हमारी जो हैरड मॉडल है यहाँ पे, ये एक इसको आप स्टार बना सकते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। उसके बाद जितनी भी हमारी कौन कौन सी जो थ्योरीज होते हैं उनका रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलपमेंट कंट्रीज का क्या क्या रोल है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रोल ऑफ मल्टीनेशनल के साथ भी आपसे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, वो एग्जाम में आपसे पुटअप किए जाते हैं। देन प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर में चेंजिंग रोल ऑफ मार्केट्स एंड प्लानिंग में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ ही वेलफेयर इंडिकेटर एंड मेजर्स ऑफ ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसीज, द बेसिक नीड अप्रोचेस, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एंड रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो आपसे जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। आगे मैं फॉरवर्ड होती हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ पेपर टू के बारे में, यानी जो हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें पेपर टू में हमारा क्या सिलेबस है वो जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा यानी लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस, क्या क्या सिस्टम में चेंजेस किया गया था वो आता है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ड्रेन थ्योरी, देन जूट कॉटन मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है, जूट कॉटन का मैन्युफैक्चर कैसे होता है, रेलवे मनी एंड क्रेडिट्स का क्या होता है, वो सारी इसमें आती है। देन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी एक तो हमारा एक टाइम पीरियड था इंडियन इकोनॉमी यहाँ से बहुत माइनस में जा रही थी, बट जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी क्या प्लस पॉइंट हुआ वो सारी चीज़ें। उसमें लिबरलाइजेशन एरा जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ वकील गैगडेल एंड वी के आर वी राव, साथ ही एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड टेन्योर सिस्टम, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर जो है वो आपसे पूछा जाता है। देन नेक्स्टली अगर हम बात करें तो इसमें आता है ब्रॉड फैक्टर डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेजरमेंट इन पॉवर्टी ट्रेंड्स इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी के साथ ही। तो दोस्तों एक मैं आपको एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको इस एग्जाम की यानी इस एग्जाम सिलेबस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पेज पे जरूर हमें फॉलो करें, या आपको वहां पर इसका लिंक जो है वो एक्सेस हो जाएगा। साथ ही इसमें जो अगली चीज पूछी जाती है वो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर एंड WTO फूड प्रोसेसिंग सब्सिडीज, एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ ही इंपैक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल ग्रोथ। इसी के साथ जो आपसे दूसरी जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंडस्ट्रीज, जिसमें स्ट्रेटजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिस इन्वेस्टमेंट, रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मल्टी नेशनल्स का क्या रोल होता है वो हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में और उसकी इंडस्ट्री में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो सभी चीज़ें इसमें आती हैं। साथ ही जो अगली चीज़ है वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ट्रेड्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें इम्प्लीकेशन ऑफ TRIPs के साथ ये जो जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं इन सबसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली जो चीज़ है वो है न्यू एक्सचेंज रेट रिजाइम यानी पार्शियल एंड फुल कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के साथ ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड पब्लिक फाइनेंस के साथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मॉनेटरी सिस्टम, रोल ऑफ RBI अंडर द न्यू रिजाइम। देन प्लानिंग की बात की जाए तो फ्रॉम सेंट्रल प्लानिंग टू इंडिवेटिव प्लानिंग के साथ ही रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड मार्केटर फॉर ग्रोथ एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग के साथ ही जो सारी चीजें वो आपसे पूछी जाती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपसे आपके एग्जाम में आती है। लास्टली जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो हमारे इकोनॉमिक के एग्जाम में वो कुछ इस प्रकार है, जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी जो जितनी भी हमारी न्यू पॉलिसीज आई हैं उनका एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, रूरल वेजेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, न्यू रूलर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। तो ये था हमारा आज का सिलेबस। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ अगर आप भी RPSC या राजस्थान के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने लॉन्च किया है एक नया यूट्यूब चैनल मारो एग्जाम, आप जल्दी से जाके उस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही
अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम और 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानी और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप उन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप उन्हें अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।